विष्णु जी के चरणों में बैठ के नारद जी ने कहा, प्रभु अब जरा मुझे आप उपदेश दीजिए कि ये मन की माया से मैं बाहर कैसे निकलूं। तब विष्णु ने नारद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। जीव ईश्वर क्या है वो समझाया, मन माया क्या है सो समझाया, व्यष्टि समष्टि क्या है वो समझाया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था क्या है वो समझाया। जागृत के काल में तुम्हारा स्थूल शरीर, तुम्हारा अंतःकरण और दसों इंद्रियां कार्य करती हैं, और बाहर शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रपंच जितना है वो दिखता है। स्वप्न में स्थूल जगत सारा खत्म हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म अंदर मन का बनाया जगत फिर जीव उसको देखता है। और सुषुप्ति में सूक्ष्म जगत भी नहीं रह जाता है, कह सकते हैं एक प्रलय हो जाती है और सिर्फ अंधकार बचता है। लेकिन उस अंधकार में भी मैं सुख से सोया ये अनुभूति करने वाला कौन था, तभी उसको उसी जीव को इसमें प्राज्ञ बोलते हैं, प्राज्ञ बोलते हैं। कौन जानता है कि सुषुप्ति में सुख था, मन नहीं था बुद्धि नहीं था, फिर भी कैसे जाना। तो ये जो जानने वाला है वो इस गहरी नींद से अलग है, तभी तो उसको जान रहा है। आप कहते हैं मैं सो गया था और फिर सुबह उठा हूं और बीच में थोड़े थोड़े सपने आए थे। तो अगर तुम ये कहते हो कि तुम सो गए थे तो सोने को जाना कैसे, इसका मतलब कोई और सो गया था और कोई जान रहा था और देख रहा था कि गहरी नींद हो गई या अब सपने हो रहे हैं या बीच में थोड़ी नींद खुली तो करवट ली या पानी पिया और फिर सो गए। इसका मतलब सपने और नींद और सुषुप्ति भी मन पे घटित होते हैं और आप इस मन में घट रही घटना को भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस मन के जानने वाले हैं। तो जैसे आपकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, ऐसे ही ईश्वर की जागृत स्वप्न सुषुप्ति है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये सारा जगत ईश्वर का ही स्वप्न है। जैसे तुम्हारे सपने में जो कुछ देखते हो वो सब तुम्हारा मन ही होता है, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब ईश्वर ही है। आपके सपने में भूत प्रेत दैत्य अप्सरा मनुष्य पशु कुछ भी दिखा, आपके मन ने उसे बनाया है, तो आपका ही मन सब कुछ बना है। जैसे स्वप्न सृष्टि स्वप्न लेने वाले से जुदा नहीं, ऐसे ही ये जगत ईश्वर का स्वप्न है, इसमें जो कुछ है सब ईश्वर रूप ही है। ईश्वर ही जीव हुआ है और ईश्वर ही जगत हुआ है और ईश्वर ही प्रकृति हुआ है। आप शैव मत के अगर होंगे तो आप यहां ईश्वर को शिव कह देंगे और कहेंगे सब कुछ शिव से हुआ, जैसा कि शिव पुराण में। आप इसी ईश्वर को विष्णु कह सकते हैं, सब कुछ विष्णु से हुआ है एज पर विष्णु पुराण। पर आप देवी पुराण पढ़ेंगे तो सब कुछ देवी से हुआ है, ब्रह्मा और शिव और विष्णु वो कहते तीनों हाथ बांध के देवी के सन्मुख खड़े हैं और देवी से पूछते हैं कि हमको किसने प्रकट किया, तो देवी कहती सब कुछ मुझी से प्रकट हुआ। कईयों ने कहा है ये क्या बात हुई, कहीं देवी कह रहे हैं, कहीं विष्णु कह रहे हैं, कहीं शिव कह रहे हैं, कहीं ब्रह्मा कह रहे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में सब कुछ ब्रह्मा से हुआ है, ऐसा कह ता विष्णु महेश और भगवती और लक्ष्मी और सरस्वती और इंद्र और बाकी सारे देवता वहाँ पूजा ब्रह्मा की कर रहे हैं। अरे भाई चक्कर क्या है, चक्कर कोई नहीं। आप बिजली कह लो, विद्युत कह लो, इलेक्ट्रिसिटी कह लो, बात तो एक ही।
जो मर्जी नाम दे लो। ऐसे ही उस ईश्वरीय मायापति ईश्वर अंतर्यामी को तुम विष्णु कह लो, तुम शिव कह लो, तुम देवी कह लो, तुम गणपति कह लो, तुम सूर्य कह लो, क्या फर्क पड़ता है। जैसे सपने का सारा संसार तुम्हारा मन बनाता है, तो उसमें आप किसी चीज को ये थोड़ी कह सकते हो कि ये चीज मेरे मन ने नहीं बनाई। मन बनाता है, मन ही लीन कर देता है, सपना खत्म, दुनिया खत्म, फिर सपने की हल्की हल्की स्मृति भर रह जाती, हल्की हल्की स्मृति, और थोड़ी देर बाद वो भी खत्म हो जाती। अब आपसे पूछा जाए, आज से 10 साल पहले आपने क्या सपना देखा था, तो आपको ही याद नहीं होगा। और जब आप 5 साल के थे तब क्या सपना देखा था, कोई एक सपना याद रह जाए तो रह जाए, नहीं तो कौन याद रखते सपने को, सपने जैसी व्यर्थ चीज को क्या याद करना। और यहां कई महाशय स्वप्न के दृश्यों के अर्थ क्या है वो बताते फिरते हैं, और किताबें छपी हुई हैं, और लोग पैसे देके पूछते हैं सपने में मैं नदी देखी इसका मतलब क्या होता है। वो पहले फीस लेता है 2000 रुपया, फिर वो एक हिसाब लगाता है, फिर वो कहते हैं नदी का मतलब तुम्हारे मन में ना कोई चाह है जो बस चली रही है और पूरी ही नहीं हो रही। बोले क्या बात, बोले सही बोला एकदम। बोला सपने में ना मैंने एक मंदिर देखा और उस मंदिर में मैं जाना चाहता हूँ पर मैं बाहर ही खड़ा हूँ, मैं अंदर नहीं जा पा रहा, जरा बताइए सपने का मतलब क्या है। वो फिर फीस लेता है पहले, फिर लगाता है हिसाब, बड़ी गंभीर मुद्रा बनाएगा, फिर वो कहता है ये सपने का अर्थ ये है, तुमने ना कोई मनोकामना पूरी करने के लिए मन्नत मांगी है कहीं, और तुम्हारी वो पूरी भी हो गई पर तुम शुक्राना करने नहीं गए, इसलिए वो मंदिर तुम्हारे सपने में आ रहा है, याद करो। हमें तो याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, तुम 11,000 रुपया दो, हम एक विशेष पूजा कराएंगे तुम्हारे पश्चाताप सहित। हाँ महाराज जी ले लो। ले भगवान का कर्जा सिर पे नहीं रखते, देखो आज तो मंदिर दिख रहा है फिर जमदूत दिखेंगे। नन्ना महाराज मुझे जमदूत नहीं देखने। आप बस कैसे पागल लोग बनते हैं, कैसे पागल बनाने वाले बैठे, हर चीज में ना वो फीस लगा लेते हैं।